को तो 3 दफे दर्शन हो चुके थे साक्षात्कार। अच्छा बोलिए, ठाकुर जी आए तो कैसा लग रहा था जब ठाकुर जी? उस टाइम ये लग रहा, आज भी ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए उनसे एक बार मिल लूंगी। गला था लकड़ी थी, मनसुखा का रूप था, सिर पर पगड़ी थी, बिल्कुल साक्षात पतली पतली लंबे लंबे ठाकुर जी मेरे को छोड़ गए भाई। ठगवानी गाती है, उन्होंने रास किया है गोपियों के साथ में, वो चीज देखने लायक अभी भी है गोपियों के अंदर। आछी बजाई बांसुरी रे, मैं इस वक्त हूँ गोकुल की इन गलियों में। गोकुल पे आप देखेंगे कि गायों के यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, और इस गायों की यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं गोकुलवासी हैं वो सेवा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मैया हैं जो गोकुल की रहने वाली हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे मैया। राधे राधे भैया, हमारे गोकुल में आए आप, बहुत बढ़िया खुशी की बात है। और हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय अभी भी है गोकुल के अंदर, और जगह जगह देख लो कि गायों की इतनी सुंदर सेवा होती है, बहुत सुंदर सेवा होती है यहाँ पर हमारे यहाँ। और मैं तो लाला की सखी हूँ, क्योंकि यही मेरा जन्म है, यही मैं मरूंगी और यही नवनीत प्रिया की पूरी घर की सेवा करती हूँ। कैसी अनुभूति होती है जब आप ब्रज में ही जन्मी है, ब्रज में ही आपकी ससुराल है, ब्रज में ही रही हो, गोकुल में वो भी जहाँ ठाकुर जी खेले? मेरे को तो 3 दफे दर्शन हो चुके थे साक्षात्कार। अच्छा कब हुए थे? बहुत सामने ये पुल बना भी नहीं था उस पुल की बात। कैसे हुए थे, कहाँ हुए थे? ठपरानी घाट पर संक्रांत में भी था, मैं वहाँ पर आई जमुना जी नहाने के लिए, तो रास्ता भूल गई, भटक गई मैं, तो बल्लभ घाट पहुँच गई। बल्लभ घाट से फिर बिल्कुल साक्षात पतली पतली लंबे लंबे ठाकुर जी मेरे को छोड़ गई भाई ठपरानी घाट पर। यहाँ पर ठाकुर जी आए तो कैसा लग रहा था जब ठाकुर जी? उस टाइम ये लग रहा, आज भी ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए उनसे एक बार मिल लूंगी। जब आए थे तब आपने बात नहीं करी थी? नहीं, खाली उजाला था, उजाला था, लकड़ी ले रखी थी, मनसुखा का रूप था, सिर पे पगड़ी थी। तो आप तो गोपी रूप में थी, तभी तो ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए। ये सब कृपा है उनकी, उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ आज पूरे की सेवा कर रही ठाकुर जी की कृपा से। और आप बताइए, गोपी प्रेम की थोड़ी सी बात बताइए, कैसे ठाकुर जी से आप प्रेम करती हैं? ठाकुर जी गोपियाँ, ठाकुर जी यहाँ परेशान करती थी, छपरानी घाट के ऊपर बैठ जाती लड़के कि हम तो लाला तेरे को माखन खाएंगे, हम तेरा माखन खाएंगे। तो गोपियाँ जो है उनकी मक्की नहीं देती थी, गोपियाँ नहीं देती थी माखन उनके, तब वो लकड़ी से माखन खोदती थी, मटकी को फोड़ के माखन खाती थी। तो यहाँ पर ही ठाकुर जी मटकी फोड़ते थे गोपियों की? उन्होंने रास किया है गोपियों के साथ में, वो चीज देखने लायक अभी भी है गोपियों के अंदर। ब्रह्मावन में रमन ज्योति जो है, तो गोपियां जो रास करती है ठाकुर जी के साथ में, तो उनमें लीन हो जाती है। तो कन्हैया उनसे राधा जी बोलती है कि लाला तू मोर कंधा पे बिठा ले, तो वो गोपियों को बोले अच्छा मैं बिठा लाऊ राधे तुम्हें। तो जब गोपी बैठ जाती है, भगवान बैठ जाते हैं गोपी उसके कंधे पर खड़ी होती है कन्हैया के पे, तो इस तरह भगवान अंतर ध्यान हो जाती है। अंतर ध्यान होकर के फिर गोपियाँ उनको ढूंढती हैं, एक दूसरे के वियोग में ढूंढती है भगवान के लिए। तो उनको कोई झाड़ू लेके खड़ी है, कोई कैसे खड़ी है, कोई कैसे खड़ी है, बस इस तरह का हमारे गोकुल का। अम्मा वो बात आधी रह गई थी, आपने बताया एक बार की तो बताई ठाकुर जी आपको छोड़ने के लिए, तीसरी बात बताइए, दूसरी बात बताइए क्या थी? बार हो गया जो बताना था, दूसरी बात तीन बार हुए थे ना, एक बार बताइए। अब नहीं बताऊंगी, अब नहीं बताऊंगी मैं, क्यों? ठाकुर जी ने मना किया, ठाकुर जी ने मना किया है। तो गायों के बारे में तो बता दो, ये गाय यहाँ पर? गाय तो बहुत है हमारे गोकुल में, लाखों गाय है नंद। जय श्री कृष्ण। देखिए अब तक हमारे साथ रही मैया, मैया का कहना है कि गोकुल में 9 लाख से अधिक गाय है। ये एक नजारा है छोटा सा गोकुल की इन गलियों का, और मैया ने बताया कि साक्षात ठाकुर जी को मैया के दर्शन हुए हैं। जब जमुना स्नान करने गई थी तो तब जमुना स्नान करने के दौरान रास्ता भूल गई थी, तो इनको साक्षात दर्शन देने के लिए और रास्ता बताया। आप दर्शन कर रहे हैं ये गोकुल की इन गलियों का, आगे चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ का रंग और रूप, और देखेंगे एक कहावत भी है, इत गाय उत गाय आगे गाय पीछे गाय, हर जगह गाय गाय आपको नजर आएंगे इस गोकुल धाम में। और देखिए गोकुल के जो यहाँ पर जो बिल्डिंग है, महल है, वो देखिए कितने पुराने हैं, आज भी उस
समय को सहयोग कर रखे हैं कि आपको लगेगा। और देखिए यहाँ के जो दरवाजे आप देखेंगे, उसी दरवाजे पर देखिए नंदी भगवान बने हुए हैं। यही पुराने स्थान हैं, ऐसा गोकुल हमारा दिखता है। और यहीं पर ही ठाकुर जी ने 11 वर्ष तक के अधिक समय तक यहाँ बिताया था। और इसी स्थान पर ठाकुर जी यहाँ पर भ्रमण करते थे, अपनी सखाओं के साथ घूमते थे, गोपियों की मटकी फोड़ते थे और माखन खाते थे। यही ऐसा गोकुल है। बोलिए राधे राधे।